तो यार पहाड़ों में स्विमिंग पूल मज़े ही मज़े, पहाड़ों में झूला मज़े ही मज़े, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा सफ़र लंबा तो नहीं होने वाला, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाकी बने रहो, पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमें भी नहीं पता। सॉरी, स्विमिंग करेगी बोल रही थी पूल पे। अभी ना एक्चुअली मैं कपड़े पहन के आ गई हूँ और पानी भी थोड़ा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा देख। हाँ, रात को तो बहुत ज़्यादा क्लोरीन लग रहा था इसमें, बट धुंधला तो अभी भी लग रहा है और पता नहीं साफ भी है या नहीं है। उधर घर है, वहाँ पे घर है, और वहाँ पे भी घर है, और व्यू यार कितना ही प्रिटी है, और हमारा स्टे भी कितना ही प्रिटी है। कॉमन एरिया काइंड ऑफ है, बाकी यहाँ पे बैठ के आप चिल भी कर सकते हो। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे रूम्स हैं। चलो कोई नहीं, चलता है। तो यार मैं विंडशील्ड साफ करने आई थी और देखो मुझे क्या दिखा। मच्छर इतनी जोर से स्पीड में आके इसके चिपका है ना कि बेचारा मर ही गया, उतर भी नहीं रहा है। वो फूक मारा मैंने, कपड़ा तो खैर नहीं मारा पर हट नहीं रहा है वो बेचारा। और बाइक की विंडशील्ड और आगे आगे से साफ कर लिया, पीछे से साफ करने बैठे तो शाम तक साफ ही करते रह जाएंगे। चलो यार फटाफट निकलते हैं, मजा आएगा। बाय बाय हॉस्टल, बढ़िया है यार, मतलब स्टे इन बजट प्लस सुंदर प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी। चलो निकलते हैं, बाय बाय बोल देते हैं इस सुंदर से व्यू को। बाय, यू विल स्टे इन मेमोरीज। हमको रुकना है प्रोटो चंबा, फोन का तो इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है। चलो जी, मैप अभी तक भी लोड नहीं हुआ है, जियो का इंटरनेट आ ही नहीं रहा है। बाकी सीधा सीधा ही है मेन रोड तक, तो मेन रोड से अगर आप लेफ्ट आओगे तो आपको बनी खेत मिल जाएगा, और थोड़ा आगे जाके राइट लोगे तो डलहौजी आ जाएगा उधर से। तो हमारा प्लान फिलहाल यही है कि हम डलहौजी से खजियार होते हुए चंबा जाएंगे, चंबा से भी आगे जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। और यार मैंने ना विंटर लाइनर डाल लिया इसके नीचे, और मुझे इतनी तेज गर्मी लग रही है ना, इतना पसीना आ रखा है कि वो विंटर लाइनर मेरे को चुभ रहा है, काटता है ना कपड़ा जो, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आगे जाके तो थोड़ा ठंड ही होने वाली है, तो मैंने सोचा अभी डाल लेती हूँ, पर मैनेज करना पड़ेगा वहाँ तक। कोई नहीं, चलते हैं। जब थ्रॉटल खींचते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, सब। जो पहाड़ों पे टारमैक वाले अच्छे रोड होते हैं ना, वो रेसिंग ट्रैक से कम नहीं लगते। बड़ी जल्दी आ गया। तो यहाँ से हमने लेफ्ट लिया था आते टाइम बनी खेत की तरफ, और यहाँ से सीधा जाके राइट अगर हम हो लेंगे तो डलहौजी आ जाएगा। डलहौजी में तो वैसे एंटर मार लिया है हमने बहुत ही जल्दी। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, भरमौर में आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा बर्फ वाले पहाड़। मेरी बाइक में 23 ही दिखा रहा है, बट बाइक में भले ही 23 डिग्री दिखा रहा हो टेम्परेचर, मुझे जो फील हो रहा है ना वो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। विंटर लाइनर पहनने के बाद भी अब ठीक हो गया है, पहले तो बड़ी कपड़ा काट रहा था मुझे पहले। ये देखना कितना बढ़िया बोर्ड, साइन बोर्ड जो भी है, डलहौजी पब्लिक स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, काफ़ी बोर्ड लगे हुए हैं। और आसपास का एरिया देखो कितना बढ़िया बना रखा है, आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते होंगे शायद इधर, देख के तो लग रहा है वाइब आ रही है। बीजीज पार्क देखना, एयरक्राफ्ट फाइटर मूवी देखी थी रिसेंटली मैंने, उसकी याद आ गई यार। ये स्कूल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो, बहुत नीचे से शुरू हुआ था, बहुत नीचे से। सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स, स्नो चेन लगी है JCB में। ओवर स्पीड इज नाइफ, कट कटर लाइफ। अलग अलग एंगल से फुटेज आता हुआ।
मुझे लगा था तू रुकेगा मेरी जिंदगी में, जब से गया है जिंदगी से नहीं हंसी में, ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या, हर बार आता कोई मेरी जिंदगी में, बिना बोले चला जाता मेरी जिंदगी से, ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या, जैसे चाहा था सबसे ज्यादा वही छोड़ के मुझे आधा गया। यार थोड़ी थोड़ी बर्फ तो दिख गई है हमको साइडों पे, पर ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल जम रखी है और गंदी भी इतनी हो रखी है। इतनी बर्फ में कितने खुश हो रहे हैं लोग, पूरा कवर करा हुआ है ये वाला पैच। तो डलहौजी क्रॉस करके हम घुस चुके हैं खजियार में, और राइट में पेड़ ही पेड़ है, घने पेड़ है। और फाइनली पंछी को हमने बर्फ के दर्शन करा ही दिए, जिभी में नहीं करा पाए थे, ऑल द बर्फ साइड साइड में थी, बट ठीक है आगे चल के देखते हैं बाकी की हो गया। ओके चेकिंग चलते हुए गाड़ी वाला को रुकवा लिया है, हमें थम्सअप दे दिया है। चलो जी पार्क करके एक सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवाने के बाद भी इतनी झुक जाती है ना बाइक, पूरा ही मैंने फैला के लगा दी है। तो व्यू देखो, इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, और भैया से पता चला है कि ये ऑफ सीजन है वैसे तो, फिर भी भीड़ तो है अच्छी खासी। अभी हमारा ड्रोन उड़ाने का प्लान बन रहा है। चलिए चलिए, एक फोर्स की गाड़ी आती है, मतलब जीप 4x4, यस गुरखा, देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है। इसको जाने दो ज़रा, क्या पैराग्लाइडिंग के लिए पूछ रहे थे? हमारी बाइकों को भी बांध लो साथ साथ, कर लेंगे बाइक का ग्लाइडिंग। ये मेन एंट्री है, वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ पे ज्यादा ही भीड़ दिख रही है, घुड़सवारी भी होती है यहाँ पे। चलो चंबा, हैशटैग चलो चंबा, हम भी चंबा ही जा रहे हैं। आ जाओ पहले, आप आ जाओ। घोड़े भी तो ऐसे हरी हरी घास में, हरे मैदान में भागते हुए अच्छा लगता है ना, तो ये पूरा ऐसा सही है मिनी स्विट्जरलैंड अपना। यार जा लेने दो मुझे अभी, शुक्रिया। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ना 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें से शायद हम एक भी नहीं देख पाएंगे, देखते हैं। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट नेचर। खजियार की सीमा यहाँ समाप्त हो गई है, चंबा है यहाँ से 22 किलोमीटर और अभी तक हमने चला है बस 31 किलोमीटर। ओह माय गॉड लुक एट दिस व्यू, काले बादल चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर, क्या मस्त व्यू है। लेकिन आगे वाले पहाड़ ऐसे और पीछे देखो जस्ट, अति सुंदर। ऊपर एक पैराग्लाइडर भी उड़ रहा है। ओ, 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 दो तीन हुई होंगी आपकी तो, क्योंकि एक तो मेरी हुई थी। क्लेम भी ना मिलता फिर तो टोटल लॉस वाला, यहाँ से नीचे जाती तो। यार यहाँ से भी कितना शानदार व्यू आ रहा है ना, पूरा इधर स्टेप फार्मिंग वाला पहाड़ दिख रहा है और लेफ्ट में ये वाला नज़ारा दिख रहा है। वाह भाई वाह। यार यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होती है, ये वाला पैच देख रहे हो, राम से स्कॉर्पियो, पत्थर कितने बड़े बड़े भारी भारी से। कंस्ट्रक्शन तो हर जगह चलती रहती है,
तो भाई आगे स्टीप डिसेंट है, खड़ी उतराई चढ़ाई उतराई सब कर लेंगे इस वाली ट्रिप में। थोड़ा सा ग्रीनरी दिखनी चालू हो गई। आ गए चंबा, चंबा पुलिस, चंबा पुलिस का बोर्ड दिख गया, बहुत बड़ा ऐसा ही है ये तो। कितने सारे घर दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, होली खेल के आ रहे हैं स्कूल के बच्चे। इतना बड़ा गांव नहीं होगा, वो बोलते हैं ना गांव गुहांड, आसपास के गांवों को मिला के वो हो सकता है ये। राइट लेना आगे से, सही जा रहे हैं ना, मेरा मैप तो पागल हो गया क्योंकि। तो यार यहाँ पे एक मंगला नाम की जगह भी है, मंगला एंड चंबा, देख रहे हो सारी पुरानी पुरानी फिल्मों में ऐसे ऐसे नाम यूज होते थे। ग्लो ब्लो होन तो ठीक है, अब धूल तो मत ब्लो करो कम से कम। चंबा ज्वेलर्स, दोनों साइड से नदी गुजर रही है, इधर भी और उधर भी। काला टॉप को तो हम पीछे छोड़ा है ना। ओहो ट्रेंड्स भी खुला हुआ है यहाँ पे, भरमौर चौक आ गए हैं। वैसे हम चंबा की मार्केट में एंट्री मार ली है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सब्जी फ्रूट फलाना ढिमकाना। आई लव चंबा। एंड व्हाट इज दिस, यहाँ से सीधा भी दिखा रहा है, लेफ्ट भी दिखा रहा है, सीधा दिखा रहा है, पूरा वो जो गुड़गांव की सेक्टर में मार्केट लगती है ना, वो वाली फील आ रही है यार। ये तो मैप ने कहा ही घुसा दिया हमको। लेफ्ट है यहाँ से, बड़ा ही स्टीप है, यहाँ से तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। कार का मैप लगाना चाहिए था। नहीं जाना, पर ये जो लगा हुआ है ना इस पर सैडल बैग ना टकरा जाए। सो जी मैप ने लगवा दिए हमारे चक्कर। ऐसा था कि रोड था बट आधे में सीढ़ियाँ थी और आधे में रोड था, और लोग सीढ़ियों की जगह रोड पे चल रहे थे, और साइड में दो सैडल बैग टांग के ना उस रस्ते पे थोड़ा मुश्किल हो जाता। खो गए हैं हम चम्मा में। मैप ने हमको फालतू में उस वाली मार्केट के दर्शन करा दिए। अब हम उसी रोड से वापस जा रहे हैं जिससे आए थे। दिस इज द प्रोटो, पीछे रह गया थोड़ा सा। ये रहा हमारा हॉस्टल। सो यार दिस इज आवर स्टे, प्रोटो हॉस्टल। ये चम्मा में है, अभी लंच वंच करके आगे तक गेड़ी मार के आएंगे भरमौर तक, उसके बाद वापस भी आएंगे शाम को और यहीं पर रुकेंगे। सो भाई दिस इज मिस म्यू, बोल भी दिया उसने, कुछ सही ले रही हूँ अपना नाम। म्यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हेलो व्हाट इज योर नेम, चलो अपना नाम बताओ। एक ही बार बताती है, नखरे हैं उसके। तो भैया हम खाना खा रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही बार बताऊंगी, सुनना है सुनो वरना भाड़ हो जाओ। हम खाना खाने बैठे हैं फाइनली, लंच टाइम। लंच टाइम एट 3:15। पापड़ मटर पनीर और पत्ता गोभी और अचार। अपने अपने नाम बता दो। मेरा नाम है युवराज, इसका नाम है जशनप्रीत। क्या? जशनप्रीत। जशनप्रीत एंड युवराज। तो भैया ये सब्सक्राइबर्स ऑफ स्वाति एक्चुअली रचित नहीं ठीक है, हाँ। तो ये भैया के फैंस मिल गए रचित के, और इनको सब पता है कि कब हमने Z4 लिया है, उसका नाम क्या रखा है, कब हमने डीसी अवंती लिए है। और डीसी अवंती का क्या नाम है? डीसी अवंती का, हाँ उसको पता है। डीसी अवंती का गाड़ी का क्या नाम है? टार्ज़न द वंडर कार। बाइक के कैसे लगी? आपकी बाइक भी बढ़िया है, हमारी उधर है। ये वाली भी बढ़िया है, बाइक है? ये बाइक नहीं है, बाइसाइकिल। बाइक को बाइसाइकिल तो टेंशन भी है यार तुम्हारी साइकिल को। आई थिंक गियर भी है, और बाइक गियर भी तो है यार, सही बात है। मेरी बाइक से तो बाइक में गियर थोड़े होते, बाइक में इसमें भी गियर है। नहीं नहीं गियर होते हैं यार, गियर आ रहे वो वाले। हाँ तो इसमें हाथ वाले हैं, स्कूटर में भी तो होते हैं हाथ वाले, वो ऐसे होते हैं। एक ही बात है, टू व्हीलर है ना, टू व्हीलर है ना, एक ही बात है। चलो बाय बाय बाय। हाँ जी बोलिए। मैं ना उसे ना मिलना चाहता था इसलिए आया मैं। अच्छा तो भैया ये बच्चा वापस आया है मिलने के, मतलब ब्लॉग में नहीं लिया था इसलिए वापस आया, मिल तो लिए थे। उसका नाम है गुनीत, गुनीत और युवराज है ना, याद है मेरे को। देखो अच्छा नाम उसका यूवी है, हाँ यूवी और गुनीत। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया,
मेरे भी बढ़िया, तुमसे मिलकर और बढ़िया हो गए। ऑफ रोडिंग करके आए भाई के बहुत दिन में चप्पा में तो रास्ता तो आपको पता है वो कितना अच्छा बाइक चलाती है। पता है, हमने इनके ब्लॉग में देखा कि इन्होंने इतनी लंबी लाइन लगी थी सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। अच्छा ये पिछला ही ब्लॉग देख के आए हैं शायद। चलो ओके, अच्छा लगा मिलके, बाय बाय बाय। तो यार दिन में ना थोड़ा सो वो ली थी मैं, और बड़ी थकान सी हो रही थी काफ़ी दिन से, तो आज सारी थकान उतर गई। तो हम लोगों ने दिन में मस्त लंच वंच करा, और उसके बाद हमें लंच करते करते बज गए 4। और फिर जहाँ हमने स्टे करा है ना, वहाँ के मैनेजर ओनर उन्होंने हमें बताया कि ऊपर भरमौर जाना है ना, तो आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। सुबह निकलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आते टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अंधेरे में। तो फिर हमने भरमौर का प्लान पोस्टपोन कर दिया कल पे, तो हम कल सुबह सुबह भरमौर निकलेंगे। और उसके अलावा 4 बजे तक तो हमारा लंच वंच ही ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर हम थोड़ा मार्केट चले गए थे क्योंकि दीप को मीठे की क्रेविंग हो रखी थी। फिर मिल्क केक लेके आए, फिर बच्चे मिल गए सब्सक्राइबर्स, उसके बाद बच्चे ऊपर भी आ गए, हॉस्टल भी घुस गए, तो बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसे मिल के ना। और बाकी डिनर में हम लोगों ने खाया एक चंबा धाम करके एक डिश है, वो ट्रेडिशनल डिश है यहाँ की चंबा की, तो हमने वो खाई थी। टेस्टी था बड़ा, चावल थे और 3-4 तरीके की सब्जियां थी अलग अलग। वही वाली बात है ना, कहीं पे गए और वहाँ की ट्रेडिशनल डिश ही नहीं खाई तो क्या मज़ा लिया उस चीज़ का, है ना। बाकी मन तो था हमारा चंबा घूमने का, लेकिन दिन में इतनी गर्मी थी ना चंबा में, जब तक धूप थी इतनी गर्मी थी तो धूप में थोड़ा हमारा निकलने का मन ही नहीं करा। और जैसे ही शाम हुई ना, धूप थोड़ी ढल गई, धूप के ढलते ही ऐसा टेम्परेचर गिरा ना, फिर हम लोग बैठ के थोड़ा बतियाने बतियाने लग गए और ऐसे ही टाइम निकल गया। बाकी कल भरमौर जाएंगे और देखते हैं, वहाँ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे, मस्त मस्त व्यू आएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और मेरे को भी काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। सो ओके देन, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, keep loving, bye bye, take care।